हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम मैम के ट्रीटमेंट को लेकर बना रहे हैं। मैम हमारे पास आई हैं दो समस्याओं को लेकर। पहला है मैम के टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट, से हम शॉर्ट में TMJ या जबड़े का दर्द भी कह सकते हैं। मैम के लेफ्ट साइड में समस्या है, जब मैम जॉ ओपन करते हैं बंद करते तो एक क्लिक की साउंड आती है। और दूसरी समस्या मैम की वो ये है कि मैम को शोल्डर में लेफ्ट साइड और मिड बैक में थोड़ा पेन है, जैसा मैम ने मुझे बताया। तो एक बार हम एग्जामिनेशन पार्ट आपको दिखा देते हैं। मैम ने कहा मैम को ये दर्द है, यहाँ पे समस्या है। ठीक है मैम, ये दर्द होता है। अच्छा, ये दर्द कब से है आप? मैम स्टूडेंट है, मैम का सिटिंग टाइम बहुत ज्यादा है क्योंकि बैठ के पढ़ते हैं तो नेक बेंडिंग बहुत होती है। जैसा हमने पहले वीडियोस में बात करी है, नेक पेन के कॉजेज में एक ये भी होता है कि हम मोबाइल फोन या फिर नेक बेंडिंग बहुत लंबे समय तक करते हैं। ये भी एक समस्या याद रखिएगा, पुराने वीडियो से कोरिलेट आप कर पाएंगे। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ, मैम का बॉडी पॉस्चर चेंज हो रहा है, दैट मींस पेन ज्यादा है मैम को यहाँ। ये भी मैम को दर्द है, थोड़ा मैम की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, ये मैम को ये भी दर्द है। ये तो बात हुई मैम के ये दर्द की। अभी हम एक बार यहाँ और चेक कर लेते हैं, थोड़ा पेन यहाँ भी है मैम को। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैम को ये समस्याएं क्यों हो रही, मैम की मस्कुलर समस्याएं ज्यादा हैं क्योंकि लॉन्ग आवर्स है मैम के सिटिंग के, मैम को बैठना बहुत है, पढ़ाई करनी है। अच्छा, करियर चाहिए, पढ़ाई भी तो करनी जरूरी है, बट मैम ने अपना पोस्चर सही नहीं मेंटेन करा। तो कॉज ऑफ पेन मैम का ये है बैड पोस्चर, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ अपने वीडियोस में। ये ध्यान रखिए मैम, क्या यहाँ भी डिस्कम्फर्ट होता है आपको? ये है मैम। तो एज अ होल मैम को पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम है। हाँ, सेक्शंस हैं वहाँ समस्या ज्यादा है। ये तो हुआ मैम का स्पाइन का एग्जामिनेशन। मैम आप मेरी तरफ टर्न कर जाइए, बस ऐसे ही बैठ जाइए आप, ठीक है? एक बार मास्क को निकाल, ऐसे ही बैठे रहे आप, ठीक है? प्राइवेसी कंसर्न्स, हम मैम का चेहरा साफ नहीं दिखा रहे हैं। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैम जॉ ओपन करिए, बंद करिए, एक बार और ओपन करेंगे, बंद करेंगे। अब जब मैम जॉ को बंद कर रही है यहाँ से, तो एक क्लिक साउंड आ रहा है यहाँ पर। मैम हल्का टर्न करिए, बस इतना बहुत, यहाँ पर व्हाट हियर, ठीक है? ये मैम को समस्या हो रही है। अब क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे? ये स्पेशली टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की मैम को समस्या है, कुछ अलाइनमेंट में समस्या आ रही है, जैसा मैंने एग्जामिन करा, ठीक है? तो आइए चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, चलेंगे पीटी हॉल की तरफ। आज हम मैम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैम को जॉ ओपनिंग और क्लोजिंग में एक क्लिक साउंड आता है, लेफ्ट साइड एक पॉप साउंड आता है, उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम बस लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे मैम के। मैम को लगभग यहाँ पे समस्या होती है, क्लिक आती है, राइट? तो पहले हम ऑस्टियोपैथी के प्रोसीजर से मसल्स को रिलीज करते हैं, जिससे कि मैम के मसल रिलीज हो जाए। कुछ इस तरह से मसल रिलीज होंगे मैम के, ये मसल रिलैक्स करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, तभी हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये उनका TMJ टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट, जहाँ मैम को समस्या है, ठीक है? अभी हम ऑस्टियोपैथी के मैनूवर से मैम की मसल को रिलीज कर रहे हैं। ये चीज कभी कभी लोगों में हो जाती है, जॉ के मूवमेंट में दर्द हो जाता है, बहुत रेयर नहीं है तो कॉमन भी नहीं है। अभी हम टायरो का प्रोसीजर करेंगे। मैम रिलैक्स होकर लेटिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बहुत बढ़िया, कुछ साउंड नहीं आई होगी सिवाय मैम के। मैम अपने चेहरे को सीधा करिए, अब करके देखिए, जॉ ओपनिंग करिए, बंद करिए, फिर से करिए, कुछ फर्क है? बहुत नहीं, अलाइनमेंट थोड़ा बेटर हुआ है, पहले हल्का सा अलाइनमेंट में डिफरेंस था, अभी वो अलाइनमेंट थोड़ा करेक्ट हुआ है, जॉ की ओपनिंग थोड़ी ठीक हुई है। मैम अब इस तरफ, अब मैम को प्रॉब्लम तो सिर्फ लेफ्ट साइड है, बट बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट मैम को देंगे, ताकि मसल्स का जो बैलेंस है वो बना रहे, वो बैलेंस मसल्स का इवन रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि मसल्स का जो बैलेंस है वो बना रहे। मैम रिलैक्स होकर लेटेंगे, हाँ आप सीधे हो जाइए, नेक को सीधा रख लीजिए, एक बार फिर से जॉ ओपनिंग करिए, क्लोज करिए, ओपन करिए, क्लोज करिए। अभी थोड़ा डिफरेंस लग रहा है मैम आपको आपके लेफ्ट साइड में। तो फ्रेंड्स, ये है टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट का ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। बहुत ही हेल्पफुल है ये ट्रीटमेंट। जॉ की पॉपिंग साउंड में एक क्रैकिंग साउंड आती है, जो पेशेंट को बहुत परेशान करती है, कई बार पेशेंट का कंसंट्रेशन भी टूटता है इस वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये नॉर्मल तो नहीं है, तो हमें इसे तो रिलीज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इस तरह के कुछ ट्रीटमेंट काम आते हैं। अगर आप में से भी किसी को इस तरह की कुछ समस्याएं हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याएं बता सकते हैं, नहीं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, हमें विजिट कर सकते हैं हमारे दिए गए एड्रेस पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। कॉल करने का सही समय है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। समय का ध्यान रखेंगे तो किसी को असुविधा नहीं होगी, ना आपको ना हमें। धन्यवाद।